Prezelor, aleluia, prea mișeau cu asiste. उस उत्तम और प्राणों का उद्धार करने वाले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को ढेर सारा प्रेम और सलाम। आप लोगों को किए हुए वायदे को पूरा करते हुए एक बार फिर से हम फेथ लाइफ सोसाइटी हाउस ऑफ गॉड आपके बीच में उपस्थित हैं सामर्थ्य वचन और अद्भुत आराधना को लेकर। आइए इस सुनहरे अवसर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि पहले तुम कुछ भी नहीं थे लेकिन अब तुम परमेश्वर की प्रजा हो। पहले तुम पर दया नहीं हुई थी लेकिन अब तुम पर दया हुई है। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस अद्भुत दिन के लिए मेरे परमेश्वर, इस खूबसूरत सुबह के लिए प्रभु, जब आपको ये भाया कि आपका अद्भुत वचन आज हम सुनने पाए। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप युगानुयुग एक से रहने वाले पिता हैं। हाँ प्रभु, आज के दास को आपके हाथों में सौंपते हैं और आप उनके द्वारा हमसे जो भी बातचीत करें वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर, होने दे प्रभु वो सामर्थ्य होने पाए और हमारे जीवन में बहुत आयत सफल लेकर आए। प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर आज की आराधना के लिए रिवाइज वर्शिप पूरी टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं परमेश्वर उनके द्वारा महिमा आपको मिले मेरे पिता। एक बार फिर से अपने व्यूअर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं और जिस प्रकार प्रभु आपका वचन बताता है कि तुम जवान सी और अजगर को लताड़ोगे, हाँ परमेश्वर होने दे अपने जीवन की परेशानियों को संकटों को दुखों को हम लताड़ने पाए मेरे पिता। प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए और चाहते हैं परमेश्वर देखने वाले हर एक जन के खत्ते कभी खाली ना होने पाए परमेश्वर, उनके अन्न और जल में तू बढ़ोतरी देता रहना मेरे पिता। हर बात में आपको धन्यवाद कहती, आपके नाम को महिमा देती प्रभु और इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु के अद्भुत सामर्थ्य नाम से पिता से मांग लेती हूँ, आमीन। सेवा हम तेरी करेंगे जीवन भर, हम प्रभु तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे। सेवा हम तेरी करेंगे जीवन भर, से डरते नहीं हम, वरना है
सबको एक दिन। शहीद होकर क्यों ना मरे हम, आने दो दुश्मन को, शैतान से डरते नहीं हम। मरना है सबको एक दिन, शहीद होकर क्यों ना मरे हम। हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा। आहा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है और विश्वास करता हूँ कि आज का जो मैसेज है वो आपके लिए और मेरे लिए है और मेरा जीवन बाइबल आधारित होगा। हर एक इस विश्वास के साथ मेरे साथ बोल सकता है आज का शुभ संदेश, आज का शुभ समाचार मेरे लिए होगा और मैं सच कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में काम करने जा रहा है। हम जल्दी से आगे के मैसेज में जाएंगे और जो कि आपको मत्ती की पुस्तक उसका 8 बाब उसकी 5-13 आयत में मिलेगा। मैथ्यू 8 चैप्टर उसकी 5-13 वर्ड्स में आपको मिलेगा। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं एक पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु पर चंबा हुआ और उसके पीछे आ रहे थे, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। Praise the Lord, Hallelujah। मैं बताना चाहता हूँ जो कि इसमें लिखा हुआ है कि एक सुबेदार मेजर की बात है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि एक पूरी टुकड़ी के ऊपर एक इंचार्ज होता है जिसे हम सुबेदार कहते हैं, और वो एक अधिकारी होता है, और प्रभु का ये चुना हुआ दास है और फौज में एक सूबेदार मेजर की पोस्ट पर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो यीशु के पास आया और उसने एक बात कही कि मेरा सेवक, मैं कह सकता हूँ जो घर में अर्ली मिलते हैं, घर में जो काम करने के लिए जवान मिलते हैं, वो उसके घर में सेवा कर रहा होगा, और वो बीमार है। वो इतना बीमार है, इसमें लिखा हुआ है लकवा का मारा हुआ। लकवे का मारा हुआ मतलब है पैराडाइज, लकवे का मारा हुआ रोगी है, और वो आके यीशु मसीह से कहता है कि तू मेरे दास को चंगा कर दे। तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर में कहा कि मैं तेरे घर आऊंगा और उसे चंगा करूंगा। उसने कहा मैं इस लायक नहीं प्रभु कि तू मेरी छत के तले आए। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा हुआ है कि वो जो सुबेदार मेजर है वो प्रभु से कह रहा है कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। यहाँ बात बड़ी अचंभे की बात है कि वो एक परमेश्वर का दास है, परमेश्वर के पे विश्वास करने वाला है, और परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे घर आऊंगा, और वो कह रहा है नहीं मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर के अंदर आए, मेरे छत के तले आए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि वो जानता है कि मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु जिसने की इस सृष्टि का ब्रह्मांड किया, जिसने मुझे और आपको बनाया, वो क्या नहीं कर सकता, और वचन से उसने पूरी दुनिया को बना दिया और अपने हाथों से मुझे और आपको बनाया है, क्योंकि वो जानता है कि यीशु मसीह, और जो कि आप पढ़ सकते हैं अपनी बाइबल में मैथ्यू की पुस्तक मती 28 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। और बड़ा अच्छी बात है
कि प्रभु यीशु मसीह एक अधिकारी है और वो कह रहा है कि स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। और यहाँ पर अधिकार की बात आ रही है तो मैं एक जगह से पढ़वाना चाहूंगा जो कि मैं आपको बताऊंगा कि मिलेगी उत्पत्ति की पुस्तक एक बाप उसकी 26 और 28 आयत मेरे लिए पढ़ दें जल्दी से। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। अधिकार रखे, परमेश्वर ने हर चीज तो बनाई लेकिन मुझे और आपको मनुष्य को उस पर अधिकार दे दिया कि उसे अपने बस में कर ले और अधिकारी बन जाए। फिर 28 आयत में भी लिखा हुआ है उत्पत्ति, हाँ, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलों और फल, हाँ, और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। सब जंतुओं पर, सारी चीजों पर अधिकार रखो। लेकिन बहुत गड़बड़ हो गई है, आज का जमाना उलट चुका है। जो कि हमें परमेश्वर ने अधिकारी बनाया था, हर चीज हमारे हाथ में दे दी थी, लेकिन एक उल्टा हो गया है कि हम गुलाम बन गए हैं, अधिकार खो दिया है। उसका कारण है क्योंकि हमने अनाज्ञाकारी हो गए हैं, हमने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। परमेश्वर की वो 10 आज्ञाएं हो चाहे परमेश्वर ने 2 आज्ञाओं में बदल दिया, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, लेकिन हम आज्ञा से भटक गए हैं, इसलिए हमने अपने अधिकारों को खो दिया है। आज अधिकार खो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बात कही थी जो कि उन्होंने अधिकार के रूप में दिया था, मत्ती 10 और उसकी 7 और 8 आयत में लिखा हुआ है कि चलते चलते ये प्रचार करो कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसकी 8 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हाँ, बीमारों को चंगा करो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है कि बीमारों को चंगा करो। आप अपने को अगर पहचानना चाहते हैं, अगर आप विश्वासी हैं, और मरकुस उसकी 16 बाप उसके 18 आयत में भी लिखा है विश्वासियों के चिन्ह होंगे, और वो चिन्ह यही है जो यीशु मसीह ने अधिकार दिए हैं। पढ़ दे कि बीमारों को चंगा करो, हाँ, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, तुमने सेहत में पाया, तुमने मुफ्त पाया है, सेहत में तो मुफ्त में बांट दो। मेरे अजीजो, मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर वो सुबेदार मेजर अपने प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, क्योंकि उसे विश्वास है क्योंकि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और हमारा राजा का राजा महाराजा है। उसने हर चीज बनाई है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ सद्रक मेशक अभिनदगो, 3 जो विश्वासी थे, उन्होंने एक बात कही थी राजा से, हम मर जाएं तो मर जाएं, क्योंकि मेरा परमेश्वर उस आग पे भी अधिकार रखता है, वो आग हमें जला नहीं सकती। और मैं बताना चाहता हूँ जब वो 3 को आग में डाला गया, मेरा प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस आग में आ गया और आग उन्हें झुलसा नहीं सकी। जिन्होंने डाला वो जल गए लेकिन वो 3 जीवित पाए गए। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वायदा क्या है परमेश्वर ने कि मैंने तुम्हें अधिकारी बनाया है। आज हमें अधिकार दिया था कि मुर्दों को जिलाओ, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। मेरे अजीजों, मेरा यीशु मसीह जब पहला प्रचार कर रहा था तो बड़ा अच्छा लिखा था कि जब वो मंदिर में उपदेश दे रहा था तो बड़े अधिकार के साथ दे रहा था। लोग बड़े चकित थे, इतना अधिकार के साथ कैसे उपदेश देता है। मुझे अच्छा लग रहा बताते हुए कि एक व्यक्ति जो कब्रों में रहता था और उसकी दुष्ट आत्मा को निकाला तो लोग चकित थे कि ये चंगा कैसे हो गया जो कि हमें मार डालता था और जंजीरें तोड़ देता था। लेकिन लोग बोले ये कैसे हो सकता, यीशु मसीह ने उसके अंदर से जो दुष्टात्मा निकाली थी 2000 दुष्टात्माएं थी। मेरा यीशु मसीह अधिकारी है, लेकिन आप उसको अपना काम करने दे। आज अगर आप बीमारों को चंगा नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास अधिकार खो चुका है, उसका कारण है कि आपकी प्रार्थना में, आपकी उपवास प्रार्थना में, आपके कार्यों में कमी है। और यीशु मसीह ने अधिकार हमें दिए कि चेलों से को भेजा 2-2 करके और कहा बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो और मुर्दों को जिंदा करो। आगे लिखा है कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुफ्त मिला है मुफ्त बांट दो। कारण क्यों नहीं हो रहा है? आज परमेश्वर ने, आप किसी के बर्थडे में गिफ्ट जाइए, एक गिफ्ट लेके जाते हैं और गिफ्ट दे देते हैं। गिफ्ट देने के बाद अगर 2 महीने के बाद झगड़ा हो जाए, बुराई हो जाए, तो क्या 2 महीने के बाद कहते हैं वो हमने जो गिफ्ट दिया था वापस कर दो? नहीं कहते ना। ऐसे यीशु मसीह ने आपको मुफ्त दिया है, उसे मुफ्त बांटो, क्योंकि हमारे मनों में लालच आ गया, लोभ आ गया, हमने उसे डॉलर में चेंज कर लिया है। इसलिए हम बीमारों को चंगा नहीं कर पा रहे, कोढ़ियों को शुद्ध नहीं कर पा रहे, मुर्दों को जिंदा नहीं कर पा रहे, और मुफ्त मिला था मुफ्त नहीं बांट रहे। हमें पैसा चाहिए, पैसा पैसा, इसलिए अधिकार खो दिया है।
मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं अधिकार पाना, यीशु मसीह का स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया, जाओ सारी सृष्टि में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और वो आज्ञा मानने सिखाए जो मैंने तुम्हें मानने सिखाई है। मुफ्त मिला है, मुफ्त बांट दो। मुझे अच्छा लग रहा है एक व्यक्ति के बारे में बताते हुए, एक आपके जैसे मेरे जैसा साधारण व्यक्ति है एलिया, उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, लेकिन 3.5 वर्ष तक मैं नहीं बरसा, और उसने फिर प्रार्थना की कि मैं बरसे तो मैं बरसा। मेरे अजीजों, अधिकार को इस्तेमाल किया। मेरे को अच्छा लग रहा बताते हुए, यीशु मसीह एक नाव के अंदर बैठे हुए, आंधी और तूफान आ गया है और चेले डर गए, बोले हम तो नाश हुए जा रहे हैं, गुरु उठ हमें बचा और खुद भी बच हमें भी बचा। उन्होंने कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम्हें विश्वास नहीं था। उसने उठा, आंधी से कहा थम जा और पानी को डांटा, आंधी और पानी को डांटा। मेरे अजीजों, उसी समय थम गया और शांति आ गई। अचंबा कर रहे चेले, ये कैसे हो सकता, आंधी और तूफान भी इसकी बात मानते हैं। अधिकार, मेरे अधिकार के बारे में आप समझेंगे तो इस आंधी तूफान को बनाने वाला, बारिश को बनाने वाला, आकाश को पृथ्वी के ऊपर तानने वाला, पृथ्वी को पानी के ऊपर निपटाने वाला कौन है? मेरा यीशु मसीह है। मुझे और आपको बनाने वाला मेरा यीशु मसीह है। हृदय गुर्दों को जांचने वाला मेरा यीशु मसीह है। लेकिन हम अपने अधिकार को खो गए हैं। अधिकार, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बाइबल में बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु 10 उसकी 12 और से लेकर 14 तक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा आज की। इस्लामी में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, लेकिन मैं बताऊंगा कि एक युद्ध था जो कि मूसा को लड़ना था, लेकिन मूसा वहां नहीं पहुंच पाया और यीशु वहां पहुंचा है और उसने इस युद्ध को लड़ा है। और जब लड़ा तो देखिए क्या लिखा हुआ है, उस अधिकार को इस्तेमाल किया जो परमेश्वर ने उसे दिया था। मेरे अजीजों, आप मुर्दे जिंदा कर सकते हैं, अंधे को आंखें दे सकते हैं, कोढ़ी शुद्ध हो सकता है, लेकिन कब? जब यीशु मसीह की प्रार्थना में रहेंगे। इन हाथों में आपके जस रहेगा, आपकी प्रार्थना में वचन में सामर्थ रहेगी। हाँ, पढ़ दे। उस समय अकाल जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इसराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इसराइल के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। ना आज तक कभी ऐसा हुआ ना कभी होगा, क्योंकि परमेश्वर के दास जो मुंह से बोल देते वो होता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अधिकार खोने का कारण, मेरे अजीजों, आपको उपवास प्रार्थना, अपने बच्चों को लेके फैमिली के संग चर्च जाना, अपनी कन्वेंशन में जाना, प्रार्थना में जाना, जुड़े रहिए, प्रार्थना करते रहिए। और देखिए जो आप कहेंगे वो परमेश्वर कह रहा है, जैसा तेरा विश्वास, मैं यह सुबेदार की बात कर रहा हूँ, वो कह रहा है कि मैं भी इसकी जल्दी से एक आयत पढ़ दे जो कि आपको मिलेगी, 8:9 से पढ़ दे। मैं भी एक पराधीन व्यक्ति हूँ, सुबेदार में जर यीशु मसीह से कह रहा है, मैं भी एक अधिकारी हूँ, छोटा सा, यस, सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फौज के अंदर जब कहते हैं सावधान तो सावधान हो जाते हैं, कहते सूट मारते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहते बाएं मुड़ तो बाएं मुड़ जाती है सेना, दाएं मुड़ तो दाएं मुड़ जाती है। कह रहा मैं भी एक अधिकारी हूँ, मेरे अधीन रहते हैं सिपाही, लेकिन परमेश्वर से कह रहा मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। और परमेश्वर उसको सुन रहा है, उसकी बात है, वो यीशु मसीह को यह बताना चाह रहा है, वो यीशु मसीह को याद दिला रहा है कि तू तो अधिकारी है, दुष्ट आत्मा है तेरा, तू जो कहेगा निकल जा तो वो निकल जाएगी, और रोग लगवे का रोगी से कहेगा चंगा हो जा तो हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर अधिकारियों का अधिकारी, राजा का राजा, डॉक्टर का डॉक्टर, मेरा प्रभु यीशु मसीह। मुझे अच्छा लग रहा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल जल्दी से मैं बता दूं कि एक परिवार में मैं जब बात आई है अधिकार की, जब ये सुबेदार मेजर बता रहा है अपने अधिकार के बारे में, मैं आपको इस बार संसार की कुछ अधिकार बताना चाहता हूँ। एक सास और बहू है और बड़े मिन्नतों से शादी करके लाए हैं, बेटे के लिए एक बहू लेके आए हैं, घर में नंद भी है और बेटे की
बहन भी रहती है, वो जॉब पे जाती है, और जब शादी करके घर में लाए हैं उसका वेलकम किया, और जब घर में आ गई बहू तो सास सबसे पहले क्या करती है, स्वागत में खुशी में यहां से निकालती है चाबी और कहती, बेटा आज से, बेटी तुम आज से, बहू तुम आज से घर की मालकिन हो, और घर की चाबी सौंप देती है। मेरे अजीजों, एक सास अपनी बहू को मालकिन बना देती है, और कुछ दिन के बाद पता चलता है, 2 महीने 3 महीने बीतते हैं कि बहू का रंग बदल जाता है। कारण, क्योंकि बहू को मालकिन बना दिया और सास जो है वो बहू बन चुकी है। मेरे अजीजों, अगर आप सास हैं और आप मालिक हैं तो आपको बहू को बहू के स्थान पर प्रेम करिए, बेटी की तरह रखिए, लेकिन मालिक आप हैं, आपने उसको अधिकार दे दिया। और शाम को इत्तेफाक जब बेटी आती है, कहती है, क्या बात है मम्मी, तुम बाहर क्यों बैठी हो? बोले, खाना क्यों नहीं खाया? बोले, ये अरबी की सब्जी तो मैं खाती नहीं हूँ। अंदर खिड़की से झांक के देखते हैं तो भैया और भाभी बहुत अच्छे से खाना खा रहे हैं, खूब ताली बजा रहे हैं। बड़ी दुखी होती है। कारण, क्योंकि सास ने अपना अधिकार खो दिया है। मेरे अजीज, मैं कहना चाहता हूं सासों से कि अपना अधिकार ना खोए। मुझे अच्छा लग रहा बताते हुए इस समय कि बहुत अच्छा बेटा है, घर में है, पिताजी है, माताजी, भाग के आता है बेटा, पापा जी 100 रुपए दे दीजिए। पापा कहते हैं, अरे बेटा तू तो मेरा इकलौता बेटा है, सब कुछ दे रही है, पैंट टंगी है, कोट टंगा हुआ है, उसमें पर्स है, जाके 100 रुपए ले ले। एक बार हो गया, फिर दूसरी बार आए, पापा पापा पैसे दे दो। पापा, अरे बेटा मैंने तुझे कहा था पिछली बार कि पर्स में से ले ले 100 रुपए, जब तुझे जरूरत होती ले लिया कर। जाके उसने 100 रुपए ले लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पर्स में पैसे बहुत सारे रखे थे, और बेटे ने कहा, अच्छा मैं मालिक हूं, तू ही तो मालिक है, तू ही तो इकलौता बेटा है। और उस पर्स में 2000 रुपए रखे थे, बेटे ने 1000 रुपए निकाल लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इत्तेफाक पापा जी अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से जा रहे थे, रेड लाइट क्रॉस हो गई, 2000 रुपए का चलान हो गया दिल्ली के अंदर। और जब चलान हो गया 2000 का, मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने पर्स निकाला कि मैं चलान का भुगतान भर दूं, तो पता चला उसमें 1000 रुपए है ही नहीं। फोन किया, अरे बेटा राजू, इसमें तो 2000 रुपए थे, पैसे कहां गए? अरे पापा, आप ही ने तो कहा, तू ही तो मालिक है, तू तो इकलौता बेटा है। मैं कहना चाहता हूं कि बाप ने अपना अधिकार छोड़ दिया है। मेरे अजीज, बेटा 100 रुपए मांगे तो पूछिए क्यों, किस लिए, काय के लिए, नो कहना सीखिए। आपने उसने 100 मांगे, आपने 200 दे दिए, 200 मांगे आपने 500 दे दिए, आपने अपने बेटे को खुद बिगाड़ दिया है। और जब बेटा गलत हरकतों में चला जाता है, गलत काम करने लगता है, जुए पत्ते में चला जाता है, नशे पत्ते में चला जाता है, गड़बड़ियों में चला जाता है, दोस्तियों में चला जाता है, फिर आप परेशान होते हैं। मेरे अजीज, बाप बेटा बन चुका है और बेटा बाप बन गया है। क्यों? क्योंकि बाप ने बेटे को अधिकार दे दिया, मेरा पर्स छुले, मेरा पैसे बिना पूछे निकाल लिया कर। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि पराधीन कह रहा है, मैं जानता हूं मैं पराधीन व्यक्ति हूं, मैं भी अधिकारी हूं, लेकिन तू राजाओं का राजा है, तू अगर मुंह से कह देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मेरे अजीजों, इन्होंने अपने प्रभु यीशु मसीह को, कभी कभी हमको, हम हमेशा दूसरे को शिक्षा देते रहते हैं, वो शिक्षा अपनी तरफ भी लेनी चाहिए। यीशु मसीह जान गए कि अरे ये तो बहुत बड़ा विश्वासी है, ये मेरी हर बात को जानता है, क्योंकि मैंने ही इंसान को बनाया है, मैंने ही अपनी सकल सूरत में बनाया है, और उसे बस में करने की बात कही है। मुझे अच्छा लग रहा है कहते हुए कि चले 70 चेले थे, आए लौट कर, बोले हमें तो बड़ा आपने जो अधिकार दिया था, अब हम दुष्टात्मा हमारे बस में है। उनने कहा, इससे खुश मत हो, मैंने बिजली को पूरब से लेकर पश्चिम तक गिरते हुए देखा है, लेकिन खुश इस बात से हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तकों में लिखा जाए। मुझे अच्छा लग रहा कहते हुए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे भजन संहिता 91:13 में लिखा है, तुम जवान सिंहों को और अजगर को लताड़ोगे, और सांप और बिच्छू को कुचलने का अधिकार हमें दिया है। तो हम हर बीमारी को, हर परेशानी को लताड़ सकते हैं, डांट सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकारी बनाया है। यीशु को अचंभा हुआ और यीशु ने कहा कि ऐसा विश्वास तो मैंने इज़राइल में भी नहीं पाया जैसा इसका विश्वास है। इसलिए लास्ट वर्ड प्रदेश की 13वीं आयत, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, उस सूबेदार से कहा, जैसा तेरा विश्वास है, हाँ, जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे लिए हो। यीशु मसीह, हाँ, उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। क्यों? क्योंकि उसने वो अधिकार परमेश्वर का जानता था, और परमेश्वर को अचंभा हुआ कि ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं पाया जो मैंने इसके अंदर देखा है। और वो रुक गया और उसने कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास तेरे साथ वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसका सेवक
चंगा हो गया। मेरे अजीज, क्या आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? आपको अधिकार दिया है बीमारों को चंगा करने का, आपको अधिकार दिया है कोढ़ियों को शुद्ध करने का, मुर्दे को जिंदा करने का। मैं लास्ट वर्ड बता के जाना बताना चाहता हूँ, मेरे यीशु मसीह को ने पूरी बाइबल के अंदर 3 मुर्दों को जिंदा किया, जिसमें से सिर्फ एक जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूँ। 4 दिन का मुर्दा जो कि यूहन्ना की पुस्तक में मिलेगा आपको, और उसमें लिखा है कि वो जब कब्र के सामने खड़ा था उसने आवाज दी, ए लाजर बाहर आ जा। 4 दिन का मुर्दा कपड़े में लिपटा हुआ बाहर आ गया। मेरे अजीज, मेरा प्रभु यीशु मसीह मुर्दे को जिंदा कर सकता है। अंधा दिखता है, लंगड़ा चलता है, बहरा सुनता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। अधिकार यीशु मसीह के पास, उसने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। यह अधिकार आज आपको और मुझे दिया है। अगर हमारे पास यह अधिकार नहीं है तो हमें जरूरत इन हाथों में प्रार्थना करने की। यीशु मसीह ने हमें ब्लेस किया है अपने हाथों से, आज जरूरत है कि हम अपने हाथों के लिए प्रार्थना करें कि हम जिन पे हाथ रखें बीमार चंगे हो जाए, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, मुर्दा जिंदा हो जाए। मुफ्त मिला है, मुफ्त बांट दो। अधिकार मत भूलिए और अधिकार मत छोड़िए। अगर आपको अधिकार दिया है, आप पिता है तो पिता का अधिकार रखिए, आप भाई है भाई का अधिकार रखिए, आप बुआ जी है बुआ का अधिकार रखिए, आप पासवान है। मुझे अच्छा लग रहा बताते हुए, आज कलीसिया पासवान बन चुकी है, पासवान कलीसिया बन गया, क्योंकि कलीसिया चला रही है चर्च को, तो चर्च नहीं चल सकता। पासवान को अपना अधिकार नहीं छोड़ना है, उसे बताना है कि चर्च ऐसे चलता है, प्रचार ऐसे होता है, हमें कलीसिया के अनुसार नहीं चलना है। मेरे अजीजों, पासवान को अपना अधिकार नहीं छोड़ना है। मैं चाहता हूं कि आप उस अधिकार को ले लें जो यीशु मसीह का, सारे जगत पर सारी सृष्टि पर अधिकार कर लो और उसे अपने बस में कर लो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर ने जो अधिकार आपको दिए हैं आपने उसको रिसीव किया है, और आज से परमेश्वर आपके उन कामों को जो रुके हुए हैं वो पूरे करने जा रहा है। अधिकार के साथ करें, प्रभु की पवित्र आत्मा आपके साथ है। इन वचनों से आपको आशीष मिले। हम प्रार्थना में चलेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम विशेष उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिनकी की कोख बंद है। प्रभु इसी समय अपने अधिकार मिले, और प्रभु जिस प्रकार से हन्ना की कोख खोली और उसने एक पुत्र सैमुअल को पैदा किया, मैं कहना चाहता हूँ प्रभु आज बहुत सारी कोख जिनकी बंद है, जिनको बच्चे नहीं होते हैं, आज प्रभु उनकी कोख खोल रहे हैं और अच्छे बच्चे देने जा रहे हैं। प्रभु बड़ी गवाहियाँ हम टीवी पे देखने पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, लकवे का कोई मारा हुआ है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी इसी समय चंगा हो रहा है, उठ के खड़ा हो रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस से संक्रमित हैं तो इसी समय निगेटिव हो रही है रिपोर्ट और प्रभु आपको चंगा कर रहा है। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, बीपी शुगर की प्रॉब्लम इसी समय नॉर्मल हो रही है। हम प्रार्थना करते हैं किडनी फंक्शन, हम प्रार्थना करते हैं साइटी का प्रॉब्लम, हम प्रार्थना करते हैं नीज जॉइंट पेन, हम प्रार्थना करते हैं जिनके पैर एक सूख गया है, आज दाहिना पैर प्रभु ठीक हो रहा है। दाहिना पैर सूखा हुआ और काम नहीं कर रहा है और चल नहीं पा रहे हैं, आज वो उठ के चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम उस अधिकार को जो आपने हमें दिया है और मुफ्त दिया है, मुफ्त मिला मुफ्त बांटो। प्रभु यीशु मसीह, इसी समय हम बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो चंगे हो रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की जो बाढ़ आई हुई है वो इसी समय नॉर्मल होने पाया असम और बिहार के अंदर। हम प्रार्थना करते हैं भारत देश से कोरोना वायरस इसी समय अथाको नरक में चला जाए। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के लिए, हम प्रार्थना करते हैं हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च के लिए, शुभ संदेश चैनल के लिए, और इस पूरी टीम को अपने लहू में छुपा। और प्रभु जो आज वचन दिया गया है, हर एक के हृदय छिद जाएं और प्रभु मन बदल जाएं और बड़ी चंगाइयां सुनने पाएं, बड़ी गवाहियों को हम देखने पाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये आपका धन्यवाद। मेरा विश्वास है इस वचन के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे संग जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज हाउस ऑफ गॉड बिलीवर्स चर्च को फॉलो कर सकते हैं, और इस वचन और आराधना को दोबारा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रिवाइज वर्शिप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हर शनिवार आपको यहीं मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।